मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए रोजाना मैथ का क्लास लेकर आऊंगा, जो कि ग्रुप डी और NTPC के लिए बेस्ट होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि सरलीकरण। तो सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है सरलीकरण। क्या होता है सरलीकरण? तो इसमें होता है, पहले आता है भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास, तो भी का अर्थ होता है वेनिकुलम, यानी कि रेखा कोष्टक। क्या होता है? रेखा कोष्टक। बी मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक। ऑफ मतलब होता है का, गुना। डी मतलब होता है डिवीजन, भाग। एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, गुना। ए मतलब होता है एडिशन, जोड़। एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो हम देखे कि यहाँ पर लिखा है कोष्टक चार प्रकार के होते हैं। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक, दूसरा होता है छोटा कोष्टक, तीसरा होता है मध्यम कोष्टक या मझोला कोष्टक, और चौथा होता है बड़ा कोष्टक। और यहाँ पर हम लिखे हैं, यदि किसी प्रश्न में आपको रेखा कोष्टक यानी कि बार यानी कि रेखा कोष्टक दिखाई दे तो उसको पहले हल करेंगे। उसको क्या करेंगे? पहले हल करेंगे। किसको? रेखा कोष्टक को। और उसके बाद हम छोटा कोष्टक को हल करते हैं, छोटा कोष्टक के बाद मझोला कोष्टक को हल करते हैं, मझोला कोष्टक के बाद बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। यदि ऑफ दिखाई दे, और ऐसे प्रश्नों में कभी कभी ऑफ मतलब का दिखाई देता है, तो ऑफ का अर्थ होता है का, का मिस होता है गुना। क्या होता है? गुना। तो ऑफ का भी प्रयोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद डिवाइड का प्रयोग करेंगे, गुना का, जोड़ का, घटाव का, और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसके लिए थैंक यू। टाइप वन पढ़ेंगे तो इसमें आता है सबसे पहले, इसको हम ध्यान में रखेंगे, डी मास। तो डी मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है भागा। तो सबसे पहले इसका क्रिया करेंगे भागा का। दो नंबर में एम, एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना। और तीसरा नंबर है ए, ए मतलब होता है एडिशन, एडिशन जोड़। तो इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और चार नंबर में है एस, तो एस मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन, घटाओ। तो हम क्या करेंगे? घटाओ करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर बताए हैं कि सबसे पहले किसका क्रिया किया जाता है? भाग का क्रिया किया जाता है। किसका क्रिया किया जाता है? भाग का। तो आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख रहे हैं, 24 + 5 / 3। तो आप हम बताए ना आपको कि पहले भाग का क्रिया के, तो यहाँ से 3 × 5 = 15, 5 मार में कटा दीजिए, तो हो गया 24 + 5, तो इसका आंसर कितना आ गया? 29 आ गया। उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन है 120 - 20 / 2। तो हम आपको बताए यहाँ पर कि सबसे पहले भाग का क्रिया करना है, तो 2 से इसको कटा दीजिए, कितना बार में? 10 बार में। तो 120 में से 10 घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 110, आपका आंसर आ जाता है। तीसरा प्रश्न है 12, तो 12 यहाँ पर हम 12 तो लिख दिए माइनस, तो भाग का सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे, लेकिन यहाँ पर भाग दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है? मल्टीप्लाई, यानी कि दो नंबर में क्या है? गुना। तो यहाँ पर गुना करेंगे, 25 × 15 गुना कर दिए तो 15 हो गया, और छोटा कोष्टक हो गया, ये हो गया क्या चीज? +3। तो अब देख रहे हैं कि न गुना दिखाई दे रहा है, नहीं भागा दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद क्या है? एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। तो ये 12 प्लस में है और 3 भी क्या है? प्लस में है, तो 12 × 3 कितना होता है? 15, और 15 में से 15 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न उठता है, जैसे चिन्ह के बारे में, हम लोग जोड़ के चिन्ह को देखते हैं, यदि प्लस दिखाई दे, दो बार प्लस दिखाई दे तो उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और दो बार माइनस दिखाई दे तो उसको क्या करते हैं? उसको भी जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह लिखते हैं माइनस का। चिन्ह क्या चीज के लिखते हैं? माइनस का। अब अगला उत्तर प्लस और माइनस, तो यदि आपको प्लस माइनस दिखाई दे तो क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। और 12 अंक का चिन्ह लिखता है, जो 12 रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, और माइनस प्लस भी रहता है तो उसी तरह क्या करते हैं? घटाते हैं और 12 अंक का चिन्ह लिखते हैं। जैसे कि यहाँ 12 प्लस में है और 3 प्लस में, तो 12 × 3 = 15 कर दिए, और ये क्या हो गया? माइनस। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो प्लस माइनस रहेगा तो क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो यहाँ पर 0 हो गया। अगला चार नंबर प्रश्न है, 3 माइनस लिख दिए, छोटा कोष्ट 5 माइनस
माइनस यहाँ पर छ भागा तीन दिखाई दे रहा है, छ भागा तीन, तो इसको तीन से टू बार में कटा देंगे। कितना बार में कट गया, टू बार में, कि तीन दूनी छ, यहाँ पर थ्री है और पांच में से तीन गया, कि पांच में से दो गया, कितना बचा तीन, तो ये तीन प्लस में और ये तीन क्या चीज में है, माइनस में, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दूसरा पांच नंबर प्रश्न है, अट्ठाईस माइनस पांच गुने छ प्लस दो, इसको तो अट्ठाईस लिख दिए लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, गुना, तो गुना का क्रिया कर देंगे, तो छ पांच तीस और प्लस दो, तो अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे जब दो चीज प्लस में दिखाई दे तो उसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये अट्ठाईस भी क्या है प्लस में है और टू भी क्या है प्लस में है, तो अट्ठाईस टू अट्ठाईस और दो कितना हो गया तीस, और ये हो गया माइनस में तीस, तो प्लस माइनस रहता है तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो उसी तरह घटा दिए तो इसका भी आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। और अगला छ नंबर प्रश्न है कि छत्तीस, छत्तीस आपको दिखाई दे रहा है तो छत्तीस लिख दिए भागा, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है पांच प्लस सात, तो क्या करेंगे इसको पहले जोड़ देंगे, सात पांच कितना होता है बारह, बारह लिख दिए, और ये बारह के पहाड़ा में छत्तीस कितना बार में आता है, तीन बार में आता है, बढ़ती आई छत्तीस, और इसका आंसर क्या हो गया, देखिए तीन प्रश्न बार वाला है, कि बार वाला प्रश्न यानी कि ऊपर रेखा कोष्टक रहता है तो कैसे बनाएंगे। तो ये प्रश्न है दो भागा तीन माइनस दो बार, ऊपर क्या है रेखा कोष्टक, तो यहाँ पर तो दो लिख दिए अब भागा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि तीन माइनस दो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला बार का खोल कर बार की क्रिया करेंगे, सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे बार का, तो तीन में से पहले यहाँ पर दो क्या कर देंगे घटा देंगे, तो तीन में से दो घट गया कितना बचा एक, तो दो में वन से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है छोटा कोष्ट चौदह माइनस सात छोटा कोष्ट वन गुने बड़ा कोष्ट आठ प्लस मझोला कोष्ट तीन प्लस सात माइनस वन, तो ऊपर बार है फिर मझोला कोष्ट है बड़ा कोष्ट, तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले छोटा कोष्टक का क्रिया करना है, तो यहाँ पर कितना है चौदह माइनस सात, तो चौदह में से सात गया तो सात बच गया गुना बड़ा कोष्ट, बड़ा कोष्ट हो गया आठ प्लस यहाँ पर मझोला कोष्ट, मझोला कोष्ट लिख दिए थ्री प्लस, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सात माइनस वन पर रेखा कोष्टक दिखाई दे रहा है, तो सात में से एक घटा देंगे, तो सात में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा छ बचेगा, फिर उसके बाद मझोला कोष्ट हो गया और बड़ा कोष्टक हो गया, तो सात गुने बड़ा कोष्टक यहाँ पर लिख दिए आठ प्लस, ये मझोला कोष्ट है तो छोटा कोष्टक के क्रिया कर दिए हैं, तो अब किसका क्रिया करेंगे मझोला कोष्ट का, तो छ तीन क्या हो गया नौ, छ तीन नौ हो गया, तो ये बड़ा कोष्टक बन गया बंद हो गया, तो नौ आठ कितना होता है, नौ आठ कितना होता है सत्रह, सत्रह में सात से गुना करेंगे तो सत्रह सात उन्नीस से आंसर कितना आ गया 119 आ गया। तीसरा क्वेश्चन है दो माइनस बड़ा कोष्टक दो माइनस मझोला कोष्टक दो माइनस छोटा कोष्टक दो माइनस दो माइनस दो, दो माइनस दो के ऊपर क्या है बार है और ये क्या है छोटा कोष्टक मझोला कोष्ट बड़ा कोष्टक बंद, तो क्या करेंगे दो माइनस बड़ा कोष्ट दो लिख देंगे और मझोला कोष्टक दो माइनस, यहाँ पर जो दो लिखेंगे अब यहाँ पर इसको दो जो है ना इसको माइनस में नहीं लेंगे इसको प्लस में लेंगे, क्या चीज में लेंगे प्लस में, तो दो में से दो गया कितना बचा जीरो और छोटा कोष्ट बंद मझोला कोष्ट बंद बड़ा कोष्टक बंद, तो दो माइनस बड़ा कोष्टक दो माइनस ये मझोला कोष्ट हो गया, तो दो माइनस दो में से दो जाए दो में से जीरो जाएगा तो कितना बचेगा दो बचेगा, दो यहाँ पर लिख दिए छोटा कोष्टक खत्म हो गया अब मझोला कोष्टक बच गया और बड़ा कोष्टक, यहाँ पर दो माइनस बड़ा कोष्टक दो माइनस और मझोला कोष्टक, तो ये भी दो क्या चीज में प्लस में है और ये माइनस में, तो दो में से दो गया कितना बचा जीरो, यहाँ क्या हो गया जीरो और मझोला कोष्ट खत्म हो गया और बचा बड़ा कोष्ट, तो दो माइनस और दो में से जीरो घटेगा तो आंसर क्या आएगा दो आएगा और बड़ा कोष्टक हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो दो में से दो बचेगा दो में से दो जाएगा तो कितना बचेगा जीरो बचेगा, तो इसी तरह हम बार के क्वेश्चन को हल करते हैं।